खबर रीवा जिले से है, जहां घोघन नृत्य राघव मंदिर हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश कुशवाहा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मीसा बंदी सुभाष श्रीवास्तव, शायर रफीक रीवानी, मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। मालिकाना हक सरकार के पास चला गया, इसके प्रबंधक कलेक्टर हो गए, इसके भी प्रबंधक कलेक्टर हैं, इसके सत्तर अस्सी वर्ष हो रहे हैं, सत्तर वर्ष तो हो रहे हैं, जनता संचालित कर रही है। हमसे लोगों ने कहा कलेक्टर साहब से कहा जाए, संस्कृति विभाग से कहा जाए, इसका पैसा मांगा जाए। हमने कहा कलेक्टर और सरकार तो दुनिया भर का काम करती है, इतना बड़ा ये जनमानस है। कल यहाँ बैठने के लिए लोग बोरा और पत्थर लेके आते, ज्यादा नहीं। रफीक दीवानी जी हमसे बता रहे थे कि हम लोग यहाँ आराम मिला, पर हमारी मांगने की आदत नहीं गई। वो मदद कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। हम अपनी इतनी पुरातन 182 वर्ष ये रामलीला इस परंपरा को क्या आम जनता नहीं संचालित कर सकती? हम कहां कहां सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे, कहां कहां दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, वो कितना लगता है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास, कितनी कहानियां लिखी, गबन और गोदान से लेके तफन से लेके और न जाने कितने। तो वो आज जब हिंदी साहित्य विमर्श की बात चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि उसकी भूमिका में अगर हम माधववा चतुर्वेदी की बात करें, अगर हम मैत्री चंद्रगुप्त की बात करें, अगर हम निराला और नीरज की बात करें, तो निश्चित तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी को याद करने की आज विशेष जरूरत इसलिए भी है कि आज उनकी पुण्यतिथि है, स्मरण दिवस है। और मित्रों, हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा है, इसमें एक से एक रचनाकार, एक से एक कवि, और जैसा कि कहा गया हिंदी साहित्य के संदर्भ में ये साहित्य समाज का दर्पण। और इसका सीधा अर्थ ये कि अगर आपको समाज के बारे में जानना है, समझना है, देखना है, सुनना है, तो उस देश उस काल की साहित्य की अध्ययन कर लीजिए, उस देश और काल के साहित्यकारों की लिखी हुई रचनाओं का अध्ययन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा साफ साफ दिख जाएगा आईना में कि उस व्यवस्था क्या है, साहित्य की, अर्थ की, राजनीति की, समाज की, शिक्षा की, सारी व्यवस्था उस साहित्य के माध्यम से जानने को मिल जाएगा। साहित्य पूरे हिंदी साहित्य में एक अलग तरह का साहित्य है। रीवा एक तो संपूर्ण परंपरा में नटवर और नटराज, इन दोनों के बीच में राम का चरित्र कभी नट के रूप में या नृत्य करते रूप में साहित्य में कहीं नहीं मिलता। लेकिन रीवा में ये परंपरा महाराज विश्वनाथ सिंह ने प्रमोद वन में स्थापित की थी और वह परंपरा यहाँ आज तक इस बड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जयेश कुशवाहा जी, तैयार हुए मदन मोहन मिश्र जी, सामने बैठे भाई हरिद्वार शुक्ल जी, हमारे मऊगंज के पूर्व विधायक जरूर कह रहा हूँ, लेकिन एक कहने में एक बात संकोच जरूर लगता है कि वर्तमान में जितने वो सक्रिय हैं, शायद हमारे जिले में कोई दूसरा विधायक बन सकती नहीं होगा जितना बनना सके। उनकी सक्रियता के साथ और सुभाष बाबू के संयोजन के लिए मैं दो तीन बातें छोटी छोटी आपसे बताना चाहूँगा। हमारे रीवा के सभी वरिष्ठ जन, हमारी माताएं बहन, हमारे युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में राघव शरण मंदिर के आयोजन में खास करके इस कवि सम्मेलन में बुलाया गया, इसके लिए मैं इस आयोजन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। साल से अगर कोई आयोजन चल रहा और कोई सरकारी सुविधा ना लेते हुए और सिर्फ सहयोग से
तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, इस क्योंकि छोटा मोटा आयोजन 20-20 दिन का तो नहीं, पर कम से कम एक दिन दो दिन का हम लोग करते हैं, भले ही राजनीतिक हो। तो जब कोई आयोजन होता है तो रात भर नींद नहीं आती, और सुबह हवा हूँ ऐसे 20-20 दिन का आयोजन करना, इतने सालों से इतने वर्षों से स्वाभाविक है कि इतनी रातें आप लोग न सोए होंगे, इस पीड़ा को मैं बखूबी जानता हूँ, इसलिए मैं आयोजन समिति को एक बार पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी विद्वान अगर बैठे हैं अब उनकी बातों को आप सब सुनना है। निश्चित रूप से हमारे चंद्र जी बैठे हैं, हमारे रिवानी जी बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी से थोड़ा सकल से पहचानता हूँ, नाम से भटक जाता हूँ, अभी अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब अपना काम छोड़ करके और हम सबको जगाने के लिए जहां न पहुंचे कभी वहां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, इसलिए कभी का क्या महत्व है, जो काम मीडिया नहीं करते, जो काम राजनेता नहीं करते, जो काम पुलिस नहीं करती, वो काम हमारे कभी करते हैं, इसलिए हमारे महत्वपूर्ण विद्वान हमारे रीवा के हैं, आप लोगों ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहें। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए भगवान राम की कृपा जिस तरीके से